YouTube का कस्टमर केयर नंबर क्या है या फिर YouTube हेल्पलाइन नंबर क्या है? आप में से बहुत सारे भाई जानना चाहते होंगे कि YouTube का कस्टमर केयर नंबर क्या है। आप में से बहुत सारे भाइयों को ज़रूरत भी होगी YouTube का हेल्पलाइन नंबर का। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों को YouTube का कस्टमर केयर नंबर कैसे मिल सकता है, कहाँ से आप लोग ले सकते हैं, पूरी बात जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तकरीबन एक साल पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाला हुआ है कि यूट्यूब का कस्टमर केयर नंबर क्या है। उस वीडियो में आप सभी दोस्तों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, जिसमें से कि बहुत सारे कमेंट्स थे कि थैंक्स भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि आप बिल्कुल बकवास कर रहे हो, आप फालतू वीडियो बनाते, मतलब कि होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात। उस वीडियो को क्लियर भी कर दो इस वीडियो में। दोस्तों उस वीडियो में दरअसल मैंने ये बताया था कि जैसे हम लोग नया नया यूट्यूबर बनते हैं, 10, 20, 100, 200 सब्सक्राइबर तक हम लोग पहुंचते हैं या फिर 10, 20 वीडियोस अपलोड कर देते हैं, उसके बाद जब हमारा वीडियो नहीं चलता है तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं कि YouTube का कस्टमर केयर नंबर ढूंढने लग जाते हैं। उसके लिए हम लोग YouTube का यूज़ करते हैं, YouTube पे ढूंढते हैं, गूगल पे ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढते हैं। जब हम गूगल पे ढूंढते हैं तो गूगल हमें ऐसी फर्जी वेबसाइट पे लेके चला जाता है या फिर ऐसे फर्जी लोगों के पास पहुंचा देता है जहां से कि हम लोगों को फर्जी नंबर मिल जाता है यूट्यूब कस्टमर केयर नंबर के नाम से। और हम उस नंबर पे जब कॉल करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं कि सर मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो नहीं होता, तो वो हमको क्या कहता है कि आपको 1 रुपया या 5 रुपया पे करने होंगे, उसके बाद जा कर के आपका जो है YouTube वेरीफाई हो जाएगा, तब आपके वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली सा उसको बोलते हैं कि ठीक है सर, रुपया का ही तो बात है, आप काट लीजिए। तो 1 रुपया का वो लिंक हमको भेजता है, मतलब लिंक जैसे ही भेजेगा, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल को हैक कर लेगा या फिर आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लेगा, पूरा का पूरा बैंक अकाउंट वो जीरो कर देगा। मतलब वो सभी फेक होते हैं, वो सभी के सभी हैकर्स होते हैं जो कि हम यूट्यूबर को, छोटे छोटे यूट्यूबर को लूटने की कोशिश करते हैं। मतलब जब हम लोग ग्रो नहीं करते हैं और हम लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि इतने सारे फ्रॉड्स बैठे हुए हैं हर जगह पे, तो हम लोगों को वो लोग लूट लेते हैं। तो उसी के टॉपिक पे मेरा वो वीडियो था, अगर नहीं देखा है तो जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस वीडियो का। तो उस वीडियो में मैंने यही सब कुछ बताया था। आज हम बात करते हैं कि यूट्यूब का कस्टमर केयर नंबर क्या है। तो दोस्तों सिंपली से अगर हम बात कहें तो YouTube का कोई भी कस्टमर केयर नंबर नहीं है। YouTube से बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मेल कर सकते हैं या फिर Instagram पे या फिर Twitter पे उनको ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है, वहाँ उनका कोई भी कस्टमर केयर सर्विस नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मेल के ज़रिए ही YouTube से बात कर सकते हैं, उनसे रिप्लाई ले सकते हैं। जो भी है पूरा का पूरा सिस्टम YouTube का ईमेल पर ही आधारित है। मतलब कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनको ईमेल करने का ही ऑप्शन मिलता है, आप ना कि उनको कॉल करने का। अगर आप लोग कॉल करने के चक्कर में रहते हो और फर्जी कोई नंबर आपको मिल जाता है और फ्रॉड से आपका संपर्क हो जाता है, तो आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, मोबाइल की बहुत सारी डेटा चोरी हो जाएगी या फिर आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है और ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी भी आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।